हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीजीएसई क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। सो फिश प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम फिश की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं, या हम फिश को अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो डिफरेंट मैथड्स का यूज करते हैं। उन मैथड्स को ही हम फिश प्रिजर्वेशन मैथड्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये डिफरेंट मैथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं फिश प्रिजर्वेशन का, वो है चीलिंग या रेफ्रिजरेशन मेथड। इस मेथड में हम फिशेस को 0 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इस टेम्परेचर पर होता ये है कि जो फिशेस की बॉडी टिश्यूज होती हैं उसका डिकम्पोजिशन रेट रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सो दैट कि फिश जो है उसको ज्यादा टाइम के लिए हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इस मेथड में 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए हम आइस का यूज कर सकते हैं। इसमें ये किया जाता है कि अल्टरनेट लेयर्स बनाई जाती है फिशेस एंड आइस की। कहने का मतलब, पहले आइस की लेयर बनाएंगे, देन फिश की लेयर बनाएंगे उसके ऊपर फिर से आइस डाल देंगे। तो इस तरीके से अल्टरनेट लेयर्स में फिश एंड आइस को अरेंज किया जाता है और उसको एक क्लोज्ड वेसल में पुट कर दिया जाता है ताकि वहां 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो सके और फिश जो है उसके स्पॉयलेज को हम प्रिवेंट कर सके और ज्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर कर सके या उसको प्रिजर्व करके रख सके। ठीक है, सम टाइम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ लास्ट साइज पीसेस द आइस पीसेस और क्यूब्स आर ऑल्सो केप्ट इन एब्डोमिनल कैविटी ऑफ गटेड फिशेस। जो फिशेस होती हैं गटेड फिशेस, दैट मीन्स कि उसके विसरल ऑर्गन जो है, उनका जो इंटेस्टाइन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो ऐसे लार्ज साइज की पीसेस जो होते हैं उनके इंटेस्टाइन को रिमूव करके उनके एब्डोमिनल कैविटी में आइस क्यूब को रख दिया जाता है, सो दैट कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रख सके ताकि हम उसके सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके। तो ये जो चीलिंग या रेफ्रिजरेशन की मेथड होती है ये बहुत ही सस्ती होती है और बहुत ही आसान सा मेथड होता है फिश को प्रिजर्व करके रखने के लिए। तो जब फिश का ट्रांसपोर्ट करना होता है यहां से वहां, तो उस टाइम के लिए ये चीलिंग या रेफ्रिजरेशन मेथड जो है बहुत ही अच्छा मेथड हो सकता है। देन नेक्स्ट जो मेथड है वो है डीप फ्रीजिंग। ये जो मेथड है फिश प्रिजर्वेशन का, ये इट इज यूज्ड फॉर लार्ज पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड होता है, लेकिन हाँ, इफेक्टिव है तो कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। और फिर देख सकते हैं कि इसमें जो गुड क्वालिटी की फिशेस होती है हम उनको ही प्रिजर्व करते हैं। इसमें फिशेस को -18 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय के लिए स्टोर करके रखा जाता है। इनका प्रोसेस ये होता है कि फिशेस को सबसे पहले तो उनका जो हेड रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसमें से इंटेस्टाइन को भी रिमूव कर दिया जाता है एंड उसको वॉश कर दिया जाता है। और इस तरीके से फिश को प्रिजर्व करने के लिए डीप फ्रीजिंग की मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड देखते हैं, वो है फ्रीज ड्राइंग। तो नाम से समझ आ रहा है इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व है, एक फ्रीजिंग मेथड और दूसरा ड्राइंग मेथड। तो क्योंकि दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है और लेंदी है साथ साथ ही एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। तो इसमें जो गुड क्वालिटी की फिशेस होती हैं हम सिर्फ उन्हीं को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज ड्राइंग का मेथड यूज कर सकते हैं। देन इसमें देखते हैं, मैंने पहले ही बताया दो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट स्टेप फ्रीजिंग की होती है और दूसरा जो है ड्राइंग की, जो कि सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है। तो कलर एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली प्रिजर्व इन दिस मेथड। दिस फेज इज फ्रोजन एट -20 डिग्री सेल्सियस बाय कीपिंग देम इन अ फ्रीजिंग चैम्बर। फिशेस को -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है फ्रीजिंग चैम्बर पे रख के, और फिर देखते हैं उसको ड्राई करने के लिए ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हीटिंग प्लेट्स लगे हुए रहते हैं, और इस तरीके से फ्रिज ड्राइंग की मेथड यूज होती है फॉर प्रिजर्विंग द फिशेस। देन नेक्स्ट मेथड जो हम देखते हैं वो है सॉल्टिंग। तो सॉल्टिंग में क्या किया जाता है, फिशेस को और NaCl, दैट मीन सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एक सिंपल सा पार्शियल डिहाइड्रेशन मेथड है जिसमें जो फिश के अंदर की एक्सेस वाटर होती है वो बाहर निकल जाती है। जब हम फिशेस को सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो फिश के बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होती है वो ऑस्मोसिस के द्वारा निकल जाती है, और इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि वाटर निकल गया है तो वहां बैक्टीरियल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, और इस तरीके से फिर उसके बॉडी डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाता है और फिश जो है वो स्पॉइल होने से बच जाती है।
तो ज़्यादा टाइम के लिए वो प्रिजर्व रह पाती है। तो इस तरीके से हम सॉल्टिंग का मेथड भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की सॉल्टिंग मेथड यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे सॉल्टिंग, कोल्ड सॉल्टिंग, लाइट और स्ट्रॉन्ग सॉल्टिंग। थोड़ा सा देखते हैं इसको डीप में। तो ड्राई सॉल्टिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फिश एंड सॉल्ट आर प्लेस्ड। तो इस मेथड में क्या करेंगे, पहले सॉल्ट रखेंगे, देन फिश रखेंगे, उसके ऊपर फिर से एक सॉल्ट की लेयर बना देंगे। इस तरीके से अल्टरनेट लेयर्स में फिश और सॉल्ट को प्लेस करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, तो इसको हम ड्राई सॉल्टिंग बोलते हैं। वेट सॉल्टिंग में क्या किया जाता है, तो इन दिस प्रोसेस द फिशेस आर डीप्ड इन सॉल्टी वाटर कॉल्ड ब्राइन। जो सॉल्ट वाटर होता है उसमें हम फिशेस को रखते हैं और उस सॉल्ट वाटर को ब्राइन बोलते हैं, इसलिए इस मेथड को ब्राइनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, द ब्राइन और सॉल्ट वाटर इज यूज इन टू कंसेंट्रेशन। इन लाइट ब्राइन द सॉल्ट 16% एंड स्ट्रॉन्ग ब्राइन इज यूज कंटेनिंग 25% सॉल्ट। कोल्ड सॉल्टिंग, इन दिस प्रोसेस सॉल्ट एंड क्रस्ट आइस आर स्प्रेड ऑन द फेसेस। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ कोल्ड रूम, ओनली द टेम्परेचर इज मेंटेन एट 2 to 3 degrees Celsius। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट कोल्ड सॉल्टिंग। ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पे सॉल्टिंग तो होती है, साथ में कोल्ड सॉल्टिंग है, तो क्रस्ट आइस को भी मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरीके से फिश को प्रिजर्व करने के लिए ये सॉल्टिंग की डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल की जाती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज ड्राइंग। तो इसमें फिशेस को सुखा करके फिर उसका जो वाटर कंटेंट है उसको पूरा रिड्यूस करके, रिमूव करके फिशेस को स्टोर किया जाता है। दिस इज द चीपेस्ट मेथड, बट ये जो मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो सनलाइट होती है उसमें फिशेस को ड्राई करते हैं। तो इसके लिए अगर लार्ज फिशेस होती हैं तो उसको हम कट करके ड्राई कर सकते हैं। स्मॉल फिशेस है तो सिंपल सा मैट लेके उसके ऊपर फिशेस को प्लेस कर दिया जाता है, बीच बीच में उसको टर्न किया जाता है ताकि अच्छी तरीके से वो पूरी तरीके से ड्राई हो सके, उसका जो वाटर कंटेंट है पूरी तरीके से रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम ड्राइंग मेथड से भी जो फिशेस हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। या आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, लार्ज साइज की फिशेस हैं उनको कट करके मैट के ऊपर रख के उनको सन ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व किया जा रहा है। देन आप देख सकते हैं ये जो सन ड्राइंग मेथड होती है ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है सन क्योरिंग, एक होती है मोना क्योरिंग। सन क्योरिंग में क्या होता है, ये थोड़ा सा एडवांस मेथड होता है फ्रॉम सन ड्राइंग। इसमें क्या किया जाता है, जो फिश होती है उसका जो वेंट्रल साइड होता है वहां पे कट लगाया जाता है और वहां से उसके इंटरनल ऑर्गन्स और गिल्स जो होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद उन फिशेस को सॉल्ट के साथ 1:3 या 1:8 में स्टोर करके रखा जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। देन मोना क्यूरिंग जो है सेम टू सेम सन क्यूरिंग जैसी है, बस इसमें ये डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे कोई इंसिजन नहीं लगाते, कोई कट मार्क नहीं करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स या गिल्स को रिमूव करने के लिए, जबकि इनके जो इंटेस्टाइन है या गिल्स है उसको रिमूव कर उसको डायरेक्टली माउथ से रिमूव कर दिया जाता है और फिर उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो इस तरीके से ड्राइंग मेथड का यूज होता है फॉर दी प्रिजर्विंग फिशेस। देन लास्ट मेथड हम देख रहे हैं वो है कैनिंग, लास्ट सेकेंड मेथड है ये। तो कैनिंग में क्या किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है फिश प्रिजर्वेशन का। ये मेथड लेंथी भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, बहुत ज्यादा एडवांस प्रोसेस होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हाई क्वालिटी की बेस्ट क्वालिटी की फिशेस होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है, उसके हेड को उसके इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, फिर उसको वॉश करके ड्राई करके ऑलिव ऑयल में कुक करते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, जो कुक्ड फिशेस होती हैं उनको ऑलिव ऑयल में ही टिन में या सील जो कंटेनर होते हैं उनमें पैक करके रखा जाता है और मार्केट में आपको इस तरीके से कैनिंग फिशेस या कैंड फिशेस जो है आपको इजीली प्रिजर्व मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट एंड ये देख सकते हो कैंड फिशेस होती है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। देन लास्ट मेथड देखते हैं दैट इज स्मोकिंग। धुएं के द्वारा जो अगर हम फिशेस को प्रिजर्व करते हैं तो उस मेथड को हम स्मोकिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो जो स्मोक का टेम्परेचर होता है या जो स्मोक का रेट ऑफ सर्कुलेशन होता है उसको बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ठीक है, स्मोकिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है हॉट स्मोकिंग, दूसरी होती है कोल्ड स्मोकिंग। फॉर कोल्ड स्मोकिंग फेसेस आर ड्राइड सॉल्टेड एक्सपोज टू द स्मोकलेस फायर 38 degrees Celsius एंड देन प्रोसेस्ड फॉर रियल स्मोक एट 20 degrees 28 degrees Celsius।
फॉर दी हॉट स्मोकिंग प्रोसेस, हॉट स्मोकिंग क्या होता है कि फ्रेश फीसेस जो होती हैं उनको 130 डिग्री सेल्सियस पे स्ट्रॉन्ग फायर पे उसको रखा जाता है, देन उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस स्मोक पे उसको लाया जाता है ताकि जो फीसेस है उसको हम प्रिजर्व करके रख सकें। तो ये हो गई स्मोकिंग की मेथड। स्मोकिंग में एक्चुअली होता ये है कि जो फीसेस होती हैं उनके ऊपर स्मोक एक एसिडिक कवर, एक एसिडिक कोट बना देता है, ठीक है। और ये जो एसिडिक कोट होता है ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन हो जाती है और फिश का जो डिकम्पोजिशन रेट है वो क्या हो जाता है और फिश प्रिजर्व होके रह पाती है। तो दिस इज द मेथड ऑफ स्मोकिंग एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। थैंक यू सो मच गाइस।